हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। कैसे हैं बेटा आप लोग? मेरे को उम्मीद है कि यू फीलिंग गुड। एंड आपका पेपर बेटा जो जस्ट अभी अभी होके हटा है, मुझे उम्मीद है कि वो पेपर आपका बहुत बढ़िया गया होगा। इफेक्टिवली क्वेश्चन पेपर इज़ अराउंड एनसीईआरटी। क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी के आसपास ही बना हुआ है। एनसीईआरटी से ही है, मैं ऐसा कहूँगा, आसपास भी नहीं, एनसीईआरटी से ही है। पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं, इस बात को दिमाग में रखते हुए दिए गए हैं कि ये क्वेश्चंस आपका जो रियल में जितना रिक्वायर्ड नीड का है, उतना आपका क्वेश्चन का जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है बेटा, वो डेवलप। तो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते वक्त आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आज रियलाइज़ करी होगी कि कौन से सेट ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरीके से करना है, एग्जिस्टिंग एनसीईआरटी के लाइंस को तोड़ मरोड़ के किस तरीके से बनाया जा सकता है। बेटा सबसे बड़ी बात आप लोगों को एक चीज़ सीखनी है, क्या है? तो रिसॉल्व द पेपर। जो आप लोग पेपर यानी जो ये टेस्ट आप जो दे रहे हैं, इसको आप लोग रिसॉल्व करेंगे। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगा कि आपको जो टेस्ट की पीडीएफ आपके ग्रुप पे डाल दी जाए, टेलीग्राम ग्रुप पे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को एप्लीकेशन बार बार नहीं खोलनी पड़ेगी। बट इसके साथ साथ आपको ये चीज़ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आप लोग पेपर को क्या करेंगे, रिसॉल्व करेंगे। और जितना अच्छे से आप लोग बेटा पेपर को रिसॉल्व करते हैं, उतना बढ़िया से आपका ये पूरा का पूरा गेम चलेगा। पेपर की रिसॉल्विंग क्यों ज़रूरी है, अगर मैं आपको ये बात समझाऊं तो आप समझ सकते हैं इस बात को इस तरीके से देख लीजिए कि रिसॉल्विंग से पेपर में हमें पहली बार जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर बैठ के करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी क्या गलती है, और फिर जब हम रीसॉल्व करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हमने क्या क्या गलती करी थी और कौन कौन से एरिया ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ बेटा आज का पेपर हम डिस्कस करते हैं। हमेशा की तरह कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस विच आई फील इज़ रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड, इज़ रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन टू यू। एंड इफेक्टिवली कहूँ तो पूरे पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस ही हैं जिनकी ऐसी एक्सप्लेनेशन चाहिए। बट जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को, फॉर द सेक ऑफ जस्ट रिवीजन, आई एम टेकिंग दैट क्वेश्चंस अगेन, ताकि हम उनको डिस्कस कर सकें और कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में थोड़े और बेहतर तरीके से बैठ सकें। तो आइए बेटा करते हैं स्टार्ट। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर आप एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब कौन सा वाला जो ग्रुप है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस बनते हैं। यानी आप सोचिए कि अगर कहीं पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे तो क्यों होंगे? देखिए बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी रिएक्शंस ऑफ द एंजाइम्स। किसके? एंजाइम्स के। तो अगर रिएक्शन है एंजाइम्स के तो आप देखिए एनवायरमेंटल कंडीशन। क्या देखिए? एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशन देखते हैं तो जो बहुत हार्श हो सकती है, ये बैक्टीरिया हार्श से हार्श, सबसे खतरनाक से खतरनाक में भी रह सकते हैं, एंड सबसे गुड ऑप्टिमल कंडीशन में तो ऑब्वियसली मिलेंगे। यानी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक है। मैं 0-1 क्यों बोल रहा हूँ? ताकि सबसे हार्श और सबसे बढ़िया उन दोनों कंडीशंस की अगर मैं लिमिट बना दूँ तो यहाँ से यहाँ तक बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। तो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन इस पूरे कैटेगरी में आएगी, राइट? तो इन सब इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया बेटा सर्वाइव कर सकता है। जो ह्यूमंस हैं वो कुछ इसी एरिया में रह पाएंगे, अगर मैं 0 से 1 की बात कर सकूँ, ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। इतने हार्श कंडीशन में थोड़ी रह पाओगे आप, समुद्र के ज़मीन के नीचे थोड़ी रह पाओगे, एकदम गरम गरम उबलते हुए पानी में थोड़ा जिंदा रह पाओगे, समझिए। तो इसलिए मोनेरा जो है उसके पास मोस्ट डाइवर्स, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग, बेटा सीधी सी बात, आर्के बैक्टीरिया और जो दूसरे हमारे यू बैक्टीरिया दोनों में अलग अलग फ़र्क है उनके सेल वॉल में। हमें मालूम है कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और आर्की बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल है सूडोम्यूरिन की। यानी पेप्टाइडोग्लाइकन जिसको म्यूरिन कहते हैं और आर्की बैक्टीरिया सूडोम्यूरिन, यानी दोनों की सेल वॉल में फ़र्क है। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो स्पेशलाइज होती है टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, तो इसलिए भी उसके सेल वॉल में फ़र्क होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ काउज एंड बफलोज। उसने बनाना है बायोगैस, और बायोगैस यानी मीथेन बनानी है। तो क्वेश्चन देखते हैं तो बच्चे कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा तो आंसर नहीं है, मिथानोमोनास एंड मिथानोजन सही आंसर हो सकता है। बेटा मिथानोमोनास एक सिंगल बैक्टीरिया है
और मिथाइनोजेंस एक पूरी की पूरी ग्रुप है। तो यहाँ कुछ है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो आप क्वेश्चन को समझ रहे हो? क्वेश्चन बेहद सिंपल है, क्वेश्चन बस आपको फंसाना चाहता है या आपसे कहता है कि बेटा जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ज़रा उसकी ना डिटेल में उसकी बात पे फोकस करो। यहाँ पे किस बात पे कह रहा है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मिथाइनोमोनास एक अकेला ऑर्गेनिज्म है, मिथाइनोजेंस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। तो अब जाहिर सी बात है बेटा आंसर आपके पास क्या बनेगा? मिथाइनोजेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स। नहीं, गलत। मोस्ट का मतलब क्या होता है? 90% लगा लो आप, ऐसा नहीं। ऑल बैक्टीरिया हेटरो? नो। सम बैक्टीरिया हेटरो? नहीं। बेटा ये फोर्थ स्टेटमेंट इज द बेस्ट स्टेटमेंट, अगर आपको नहीं मालूम तो इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज सिमिलर इन साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट्स। देखिए ना बेटा, साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, मुझे एक सिंपल सा बताओ, सेल वॉल कंपोजिशन। साइनोबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, तो सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होगा। ग्रीन प्लांट्स के सेल वॉल के अंदर क्लोज सेल्युलोज होगा, तो सेम तो नहीं। ओके, 80S राइबोसोम तो यूकैरियोट में मिलता है, साइनोबैक्टीरिया में तो नहीं मिलता। निफ जीन, ये निफ जीन क्या करता है बेटा? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन, यानी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पड़ा होता है उसको फिक्स करता है कौन? निफ जीन। ये जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है इसमें तो निफ जीन मिलता है, लेकिन ग्रीन प्लांट्स में जो निफ जीन होता है सब में नहीं मिलता, और कॉम्पोजिशन भी दोनों की डिफर करती है। हाँ, क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए एक यूनिवर्सल पिगमेंट है जो हम कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट्स में सेम टाइप का है और हमेशा मिलेगा। नेक्स्ट, विच फिनोमेना इज नॉट परफॉर्म्ड बाय साइनोबैक्टीरिया। इनमें से साइनोबैक्टीरिया क्या नहीं करते? क्या वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं? बिल्कुल, बताया ना कि निफ जीन होता है साइनोबैक्टीरिया में, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। वाटर ब्लूम, यस बेटा, वाटर ब्लूम क्या होता है कि अगर आप एक पॉन्ड देखते हो और पॉन्ड पे कंडीशन क्या होती है, इस तरीके से हमारे पास एक पॉन्ड होता है और पॉन्ड के ऊपर इस तरीके से एक ग्रीन कलर की पूरी डार्क ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, इस चीज़ को हम लोग टर्म करते हैं वाटर ब्लूम। तो वाटर ब्लूम भी साइनोबैक्टीरिया कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि नॉट परफॉर्म्ड। गॉडिकॉव्स इफेक्ट, गॉडिकॉव्स इफेक्ट क्या होता है कि पानी के अगर आप लेवल को देखें, किसको? अगर हम वाटर को देखते हैं तो वाटर में डेप्थ अगर हम देखें तो बेटा डेप्थ यहाँ पे हाई है, ज़्यादा है, और यहाँ पे लो डेप्थ है। तो जैसे जैसे ऊपर से आप नीचे की तरफ यानी ज़्यादा ज़्यादा गहराई की तरफ बढ़ते हैं तो जो ये मिलने वाला सेम बैक्टीरिया होता है, नीचे अलग कलर शो करता है, ऊपर अलग कलर शो करता है। यानी यही बैक्टीरिया अगर ऊपर प्रेजेंट होता तो किसी और कलर में होता, अगर ये नीचे प्रेजेंट है तो किसी और कलर में। ये केस, ये फिनोमेना हमें रेड एल्गी में भी देखने को मिलता है, और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं गॉडिकॉव इफेक्ट। बोल्टिंग इफेक्ट, बोल्टिंग इफेक्ट बेटा ये साइनोबैक्टीरिया में कभी नहीं मिलता, बोल्टिंग इफेक्ट्स आपको प्लांट्स में मिल सकते हैं। क्या होता है बोल्टिंग इफेक्ट, इस बात को हम आपके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। बोल्टिंग इफेक्ट के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कंडीशन होती है। इन द केस ऑफ बोल्टिंग इफेक्ट, आप प्लांट के इस तरीके से प्लांट के स्टेम को देखें, स्टेम के अंदर यहाँ पे आपके पास ये क्या होते हैं, ये वाले एरिया होते हैं नोड्स। तो नोड्स के बीच का स्पेस, ये स्पेस क्या होगा? इंटर नोड। ओके, तो बोल्टिंग इफेक्ट में क्या होता है बेटा, इंटर नोड की इलोंगेशन हो जाती है। अगर आप कहीं पे कहते हैं बोल्टिंग इफेक्ट हो रहा है तो आप कहते हैं इंटर नोड इलोंगेशन। तो इंटर नोड जाहिर सी बात है ये सिर्फ हमें प्लांट्स में मिलेगा, बैक्टीरिया में नहीं, इसलिए नॉट में आंसर बोल्टिंग इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉस्टॉक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। यस, हेट्रोसिस्ट जो होते हैं बेटा, इन हेट्रोसिस्ट की जो वॉल होती है ये थिक होती है, और थिक ऐसी होती है कि इस वॉल के अंदर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकता, याद रखिएगा, ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकता। बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हो और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हो, समझिए। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में जब आप अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हो तो अब यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिएगा बेटा, एक बार आपने जब उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो अब कंडीशन क्या होगी? ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इसको यूज़ किया जा सकता है बाय द ऑर्गेनिज्म। कमाल की बात ये है कि अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एंजाइम चाहिए नाइट्रोजिनेज, एंजाइम चाहिए नाइट्रोजिनेज।
बेटा ये नाइट्रोजिनस एंजाइम वर्क करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हेट्रोसिस जो सेल होता है उस सेल की जो सेल वॉल होती है इस तरीके से बेहद मोटी होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा मोटी होती है। अगर मैं एक सेकेंड अगर हम यहाँ की बात करें जस्ट इसको बनाते हैं कि अगर ये हेट्रोसिस सेल है और ये नॉर्मल सेल है फिलामेंटस का और बीच वाला हेट्रोसिस्ट है तो जो इसकी सेल वॉल होगी वो इस तरीके से बेहद मोटी होगी। ये बन क्यों नहीं रहा बेटा यार? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसकी थोड़ी जगह चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ बना देते हैं इसको, अब बनना चाहिए। ये अभी भी नहीं बन रहा है, समझ लो बस इस साइड बन रहा है ना। इसकी जो ये सेल वॉल है इस तरीके से मोटी होती है, बेहद मोटी होती है। और मोटे होने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये देखो इस फोटो में नहीं बन रहा, पता नहीं कोई दिक्कत आ रही। ये सेल वॉल बेहद मोटी होती है और मोटी होने की वजह से इफ़ेक्ट क्या आता है बेटा? ये देखो अब बन गया, ये सेल वॉल इस तरीके से बहुत मोटी है। तो बाहर का ऑक्सीजन जो है वो कभी अंदर एंटर नहीं कर पाता, तो नाइट्रोजन मस्त काम करेगा क्योंकि नाइट्रोजन को काम करने के लिए एब्सेंस चाहिए ऑक्सीजन का। समझ गए? सिंपल ना? बढ़िया, बहुत सही। यहाँ तक अपनी ये वाली बात कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इनके आंसर्स बेटा इरेज करते जा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। क्वेश्चन 8, विच प्रोसेस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल? क्या बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं? बिल्कुल। क्या बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं? तो आंसर होगा बिल्कुल। क्या बैक्टीरिया दही बना सकते हैं? यस। क्या बैक्टीरिया सुडोमाइसिलियम बना सकते हैं? बेटा नहीं, बैक्टीरिया सुडोमाइसिलियम नहीं बना सकते, ये फंजाई कर सकती है, बैक्टीरिया नहीं। चूज द करेक्ट सेट ऑफ बैक्टीरियल डिसीज, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है और जब आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था ये चीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आते हैं? स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, डाइनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स, यूग्लेनॉइड्स। आप यहाँ देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि किस कौन कौन सी चीज़ किस किस में आती है। मैं तो इतना कहूँगा कि अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आपको कभी भी इन सब क्वेश्चन में डाउट या दिक्कत होने का चांस हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सी अपीयर रेड बाय मल्टीप्लिकेशन? आपको बेटा रेड टाइड वाला कंसेप्ट याद है? हमने जब रेड टाइड वाला कंसेप्ट पढ़ा था तो हमें पता था कि गोनियाविलैक्स जो होता है उसकी वजह से सारा का सारा गेम होता है। गोनियाविलैक्स रेड टाइड कॉज करता है और उसकी वजह से पूरी की पूरी सी लाल दिखना शुरू हो जाती है। ये सारा की सारी काम के सारा का सारा काम गोनियाविलैक्स का है। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 पे आइए। इस क्वेश्चन नंबर 18 में हो सकता है कि शायद आपको आंसर गलत बनाओ। सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड सेल्युलोज, ये भी सही है। काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अगर किसी ने ये लगाया चाहे किसी ने ये लगाया, दोनों आंसर सही हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो आप लोग घबराइएगा मत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से चलना है। हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के लिए गलत, द मेंबर ऑफ फॉर्म्ड एन एक्वाटिक, यस एल्गल फंजाई इसे ले कहते हैं। स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस, सही। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन डिवीजन, नहीं। बेटा ये जो जाइगोस्पोर होता है ये कब बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब दो गैमेट्स आके फ्यूज करते हैं ना बेटा, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग कहते हैं जाइगोस्पोर। सिंपल शब्दों में अगर तुम्हें ओरली बताऊं तो समझना कि व्हेन अ जाइगोट इज सराउंडेड बाय अ स्पोर वॉल वी कॉल इट एज अ जाइगोस्पोर, ठीक है। नेक्स्ट, विच फंगस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क? बेटा ये न्यूरोस्पोरा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम बसा होना चाहिए, आपको एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये न्यूरोस्पोरा के ऊपर बहुत बहुत भयंकर रिसर्च हुई इस न्यूरोस्पोरा के ऊपर, और रिसर्च के बाद हमने फाइनली डिफाइन किया कि इसको बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस न्यूरोस्पोरा। डू वी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा? यहाँ तक तो हुआ, अब देखो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ग्रुप डज नॉट प्रोड्यूस एम्ब्रियो? देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इनमें से कौन एम्ब्रियो नहीं बनाता?
तो एम्ब्रियो वो नहीं बनाएगा, जिस जो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होगा जिसमें, वो उसके पास एम्ब्रियो होगा। जहाँ पे जाइगोट के पास डायरेक्ट डिवीजन होगी, आगे समान बन जाएगा, उसमें हेप्लोंटिक साइकिल होगी। देखो जाइगोट के अंदर बेटा अगर मियोसिस हो गया तो क्या कभी एम्ब्रियो बनेगा? नहीं। तो इसलिए अगर जो हेप्लोंटिक लाइफ साइकिल रखते हैं तो वो जाइगोटिक मियोसिस करते हैं, तो इसमें जो एल्गी है बेटा वो जाइगोटिक मियोसिस करते हैं। इसलिए आंसर ये, विच ग्रुप ऑफ प्लांट डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स बाय जाइलम टिश्यू? आई डोंट थिंक आई नीड टू आंसर दिस थिंग। आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट निकलता है। आगे चलते हैं, विच ग्रुप ऑफ जाइगोट इज फर्स्ट डिवाइडेड बाय मियोटिक डिवीजन? इन विच ग्रुप जाइगोट इज फर्स्ट डिवाइडेड बाय मियोटिक डिवीजन? बट एक सिंपल सी बात, देखो जाइगोट को मियोटिक डिवीजन से डिवाइड करना है, और मियोटिक डिवीजन से अगर आपको डिवाइड करना है तो आपको हेप्लोंटिक लाइफ साइकिल चाहिए। क्या चाहिए? हेप्लोंटिक लाइफ साइकिल चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व, आगे देखते हैं, विच इज द सिमिलैरिटी इन क्लोरेला एंड स्पिरुलिना? क्लोरेला और स्पिरुलिना में सबसे बढ़िया क्वालिटी ये होती है कि दोनों यूनिसेल्युलर हैं, बोथ आर रिच इन प्रोटीन, दोनों को एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ किया जा सकता है, और क्योंकि ये रिच इन प्रोटीन होता है इसलिए उसको SCP बोला जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये वाली बात आप यहाँ से समझ सकते हो, क्लोरेला स्पिरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सब के सब स्टेटमेंट 100% राइट। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी टेन टू ग्रो इन NCERT लाइन है, मरीन एंड वार्म वाटर्स? ये क्वेश्चंस ये डायरेक्ट NCERT के लाइन बेस्ड होते हैं, तो आपका कंट्रोल, आपका ग्रास्प, आपकी पकड़ आपकी NCERT के ऊपर कितनी ज़्यादा अच्छी है, इस बात से डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया से पेपर अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट, पायरीफॉर्म बाईफ्लेजिलेट गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन? पायरीफॉर्म बेटा, पायरीफॉर्म होता है पियर शेप्ड, ऐसे बाईफ्लेजिलेट आपको एक्टोकार्पस डिक्टियोटा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन, अ मेंबर ऑफ एल्गी हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स? क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट हैज वन और मेनी पायरेनॉइड्स, ओके, सेल वॉल सेल्यूलोज एंड पेक्टोज के बनी है, और रिजर्व मटेरियल स्टार्च है। अगर आपकी रीडिंग अब इस चैप्टर की अच्छी है तो आपको ये देख के पता है कि ये एल्गी ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, और ग्रीन एल्गी के अंदर 2 से 8 नंबर ऑफ एल्गी फ्लैजेला होते हैं, इक्वल एंड एपिकल। क्वेश्चन इतना बढ़िया है और ये टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट उसके अंदर नीट में आ सकता है, तो आप लोग इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिए आप किस तरीके से कैसे मैनेज करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे मैं इवोल्यूशनरीली फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वस्कुलर टिश्यूज़। बेटा दिस पोर्शन इज़ नॉट इन योर +1 NCERT बट इन योर +2 NCERT, इवोल्यूशन चैप्टर में आता है, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे अभी आपको नहीं आता था बट इसको आप अभी याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीडल लाइक लीव्स टू रिड्यूस सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल, रेमेंटा एंड संकन स्टोमेटा? ये ज़्यादा टेंशन नहीं, नीडल लाइक लीव्स, संकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, जिम्नोस्पर्म, ये आपको लिखवा रखा है। मतलब देख रहे हो एप्ट क्वेश्चन है एकदम, मतलब इधर उधर की बात ही नहीं करी, बाकी टेंशन खत्म। ये रेमेंटा रोमेंटा हमने कभी पढ़ा नहीं, हम पढ़ेंगे भी नहीं, मैं बताऊंगा भी नहीं, क्यों ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? ऑल मेंबर्स ऑफ बायलेट्रियल ऑलवेज ड्यूटेरोस्टोम्स? बेटा बायलेट्रल्स, बायलेट्रिया मतलब जो बायलेट्रल होते हैं, और ड्यूटेरोस्टोम नॉट एट ऑल। ड्यूटेरोस्टोम कहाँ से शुरू होते हैं? आपके पास मोलस्का के बाद एकाइनोडर्मेटा से, तो मोलस्का जो बायलेट्रल है वो तो प्रोटोस्टोम है। स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट गलत। यू मेटाजोन्स आर ड्यूटेरोस्टोम्स? नो, यू मेटाजोन प्रोटोस्टोम्स भी हो सकते हैं। यू मेटाजोन यानी जो आपके पास ये जो अपने स्पॉन्जेस होते हैं उसके बाद मिलने वाले सब। ऑल एसिलोमेट्स आर डिप्लोब्लास्टिक? बेटा यहाँ पे आप प्लैटीहेलमिंथीस का सोचो, प्लैटीहेलमिंथीस तो एसिलोमेट है और वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत। ऑल हीमोसिलोमेट्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल? आप लगा लो, इस पे आप दिमाग लगा के देख लो, जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हीमोसील हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है सारे के सारे। रेडियली सिमेट्रिकल आपको कौन मिलता है? कोई भी नहीं। रेडियल सिमेट्रिकल आपको स्पॉन्जेस एंड उसके अंदर सिलेंडरेटा में मिलेगा या एकाइनोडर्मेटा में मिलेगा, और तीनों के अंदर हीमोसील तो होता ही नहीं, और जिसमें भी हीमोसील है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। क्वेश्चन में तीनों पॉइंट को एलिमिनेट करके चौथे वाले को डायरेक्ट टिक कर सकते थे, या चौथे वाले पे दिमाग लगा के आंसर अपना निकाल सकते थे, आपकी मर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 इज़ वेरी स्मार्ट एंड वेरी अच्छा. स्मार्ट मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन है जिसमें आप बाद में भी परेशान हो सकते थे, तो इसको निपटाते हैं बेटा. द मैमल विच पजेस बोथ रेप्टिलियन एंड मैमेलियन कैरेक्टर. एक ऐसा मैमल जिसमें रेप्टिलियन मैमेलियन कैरेक्टर दोनों हैं. काफ़ी बच्चों को स्केली एंट ईटर एंड ऑर्निथोरिंकस में टेंशन हुआ होगा. यहाँ पे मैं फोकस करवाना चाहता हूँ बेटा तीन चीज़ें, स्पाइनी एंट ईटर, स्केली एंट ईटर एंड ऑर्निथोरिंकस. आई वॉन्ट इन तीनों की आप फोटो अपने पास गूगल पे निकालें. स्पाइनी एंट ईटर एकाइनिडा एंड ऑर्निथोरिंकस डक बिल प्लेटिपस, ये दोनों जो होते हैं ये इन दोनों के पास पजेस बोथ मैमेलियन एंड रेप्टिलियन. स्केली एंट ईटर पेंगोलिन्स बेटा वो बिल्कुल 100% मैमल्स होते हैं, समझ गए. इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट. पैरापोडिया लीच के अंदर, नहीं. पैरापोडिया तो हमें नीरिस में मिलते हैं. फ्लेजिला एस्कैरिस में, नहीं. आर्क्योसाइट ओबेलिया, नहीं. आर्क्योसाइट तो हमें स्पॉन्जेस में मिलते हैं. एंटीना एनोफिलीस, मच्छर में क्या एंटीना मिल सकता है? इस फोटो से देखिए, मच्छर में ये आप एंटीना देख रहे हैं. एंटीना बेटा फीचर है आपके पास, बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा के अंदर एंटीना मिलेगा ही मिलेगा. क्या आपको ये एंटीना दिख रहा है? एग्जैक्टली. बस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गलत. स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाय लीशमैनिया, नो. स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाय, लिख देता हूँ, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी. कौन? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, ये कॉज करता है बेटा स्लीपिंग सिकनेस. इन एम्फीबियंस क्लोका इज द कॉमन ओपनिंग. क्लोका, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी एंड अपने पास डाइजेस्टिव, तीनों की कॉमन ओपनिंग है. वही क्वेश्चंस जो क्लास में आपको मल्टीपल टाइम्स बता रखे हैं. विच टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन इज फाउंड इन सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. बेटा जो मोलस्का होते हैं उनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहते हैं, और सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के अंदर मस्कुलर फुट जिसको हम वेंट्रल फुट कहते हैं वो उनके पास डायरेक्टली मिलते हैं. सीलिया, टेंटिकल्स, ट्यूब फिट, ये तीनों नहीं मिलते. तो इसके साथ साथ आज की डिस्कशन बेटा यहाँ कंप्लीट होती है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन फुल टू समझ आई होगी, क्लियर हुई होगी, आपने इन्जॉय किया होगा, आपको बहुत कुछ नया इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली होंगी. तो फोकस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए. जय.